उधर यूरोपियन यूनियन के तीन देशों के प्रमुख पहली बार एक साथ यूक्रेन पहुंच गए। राजधानी कीव पहुंचने वाले नेताओं में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी शामिल रहे। जिनका जंग छिड़ने के बाद पहली बार यूक्रेन पहुंचना खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूरोप की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इन तीनों देशों के नेता ब्रसेल्स में अगले हफ्ते होने वाले यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन की तैयारी में जुटे हैं। बताया गया कि वो कीव ट्रेन के जरिए पहुंचे और जंग के बीच यूक्रेन रोजाना किन हालात से गुजर रहा है उन्हें देखा। इससे पहले जेलेंस्की यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने का मुद्दा उठा ही चुके हैं, लेकिन उनके लिए ये राह फिलहाल तो आसान नहीं दिख रही। हालांकि यूरोपियन यूनियन के तीन देशों के प्रमुखों के एक साथ यूक्रेन पहुंचने ने जेलेंस्की को यह इशारा तो कर ही दिया कि वो उनके साथ खड़े हैं, जिसका अंदाजा ओलाफ शोल्स, इमैनुअल मैक्रों और मारियो द्रागी के इरपिन दौरे से लगाया गया। इन तीनों नेताओं के अलावा बाद में रोमानिया के राष्ट्रपति भी वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने तबाह हो चुकी इमारतों को करीब से देखा। चारों तरफ मचे हाहाकार को देखकर उन्होंने यूक्रेन के लोगों की हिम्मत की दाद दी। तीनों देशों के नेताओं के यूक्रेन पहुंचने को डॉनबास में चल रही लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के हिस्से को पुतिन हथियाने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि जेलेंस्की उसे खोना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों से मदद करने की मांग की और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने का सपना भी संजोए हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाता है तो रूस के लिए ये उतनी ही बड़ी चुनौती साबित हो सकती है जितना तब होता जब यूक्रेन नेटो से हाथ मिला लेता। यही नहीं, यूक्रेन के यूरोपीय संघ का सदस्य बनने पर उसकी सैन्य शक्ति में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय संघ के सभी देशों का ये दायित्व बन जाता है कि वो उस देश की मदद करें जिसकी जमीन पर दुश्मन ने धावा बोला हो। यही कारण है कि यूक्रेन भी तुरंत यूरोपीय संघ की सदस्यता चाहता है। ऐसा होने पर उसे रूस के खिलाफ बड़ी ताकत मिल सकती है।